हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछले वाले वीडियो में 2.5 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वाले वीडियो में 2.6 की बात करते हैं। तो देखना, क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है 2.6 का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है, निम्न समीकरण को हल कर कीजिए। हमें ये क्वेश्चन है -3d/3x=2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू भी लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर टू जो दिया हुआ है 9x/7-6x=15। और क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर लिख देते हैं हम। पहले मैं सभी के इसके क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 15=14/9। क्वेश्चन नंबर फोर जो दिया हुआ है 3y+k4/2-6y=-2/5। और क्वेश्चन नंबर फाइव भी यहाँ लिख लेते हैं, 7y+k4/y+2=-4/3। तो देखना, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये देखना डिवाइड में किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले x-3=2 को 6x है ना, उधर जाएगा माइनस, या तो इसको इधर लेके आ जाते हैं प्लस का है ना, माइनस के 6x, और -3 को उधर लेके जाएंगे प्लस के, तो 2x बचेगा हमारा यहाँ पर 8x में से, तो 3। तो एक्स के मल्टीप्लाई में 2 है, तो किसमें जाएगा डिवाइड में, तो एक्स का मान कितना जाएगा आपका 3/2। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई में जाएगा ही, नीचे वाला डिजिट बड़ा है तो पूरा बड़ा के मल्टीप्लाई जाएगा 15 से। 15 से 7 भी मल्टीप्लाई होगा, 15 से 6 भी मल्टीप्लाई होगा, 15 × 6=90, 105। 15 × 7 बोलना 90x, माइनस के 90x इधर आएंगे 99, 90x प्लस के 9x, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 99x=105। x=105/99, 105/99, 3 से कट रहा है। देखना बेटा, 3 × 5 = 15, 3 × 30 = 35, तो 35/33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इसके बाद देखते हैं। जेड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो उधर कर देना ऊपर वाले से, उसको इससे 9z=4z+k4, इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस के 60। 9z इधर लेके आएंगे -k4z=60, कितना बचेगा 5z=60। तो z=60/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 1 टाइम और 2 टाइम, 12। z का मान कितना जाएगा हमारा 12। ठीक है, इसके बाद देखना, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई विद चिन्ह से होगा। 3y+k5 को 4 से एक स्टेप बढ़ा के लिखूंगा मैं इसका, 5=-2 2−6y। तो क्या करेंगे, अब अंदर ब्रैकेट में खोल दो, 15y+k5 = 20 − 2 − 4 − − +12y, +12y इधर आएगा, −k12y = −k4 − k20, जब उधर जाएगा तो −k24, इधर क्या बचेगा 3y, तो y = −k24/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 3 से, −8। y का मान कितना आ गया −8। यहाँ से देखना, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से +k4=−4 को y+2 से। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 21y+k12=-4y + −8, इसको इधर लेके आएंगे 21y+k4y = −8y − 12, 25y = −20, तो y = −20/25, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 5 से −4/5 y का मान। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिया। अब इसमें जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं थ्योरेटिकल, वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ये इजीली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात करते हैं। पहले मैं दोनों में टाल लेता हूँ, ये भी आपने कर लिया होगा, ये भी आपने। क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखना, तो हरी और हैरी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7, मतलब मैंने आयु उनकी एक्स मान ली, माना वर्तमान आयु एक्स, एक्स है तो
पांच एक्स अनुपात सात का मान दे दिया, सात वाई। अब से चार वर्ष बाद देखना, पांच एक्स प्लस के फोर और सात एक्स प्लस के फोर, चार वर्ष बाद का अनुपात तीन अनुपात चार होता है, इनका अनुपात दे रखा है। प्रश्न अनुसार देते हैं, प्रश्न अनुसार पांच एक्स प्लस के चार बटे सात एक्स प्लस के चार का अनुपात दे रखा है तीन बटे चार, मतलब तीन अनुपात चार। ठीक है, अब देखना क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर दो इसको। पांच एक्स प्लस फोर को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री एक को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको कहते हैं वज्र गुणा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई को पांच चौक बीस एक्स प्लस के सोलह, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज सात इक्कीस एक्स प्लस के चढ़तिया बारह ट्वेंटी, उधर लेके जाएंगे माइनस के ट्वेंटी एक्स प्लस के सोलह माइनस के बारह, तो चार बराबर एक्स, एक्स का मान कितना आ गया आपके पास चार। तो देखना हरि की वर्तमान आयु कितनी होगी, हरि की आयु देख लो पाँच एक्स है ना, तो पाँच इंटू चार यानी बीस वर्ष, बीस वर्ष। और हरि की भी देख लेते हैं सात एक्स है, तो सात इंटू चार यानी अट्ठाईस वर्ष, अट्ठाईस वर्ष का तो हरि होगा और बीस वर्ष का हरि होगा, वर्तमान आयु है इनकी। क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, इजीली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखना क्वेश्चन नंबर सेवन। इसमें दिया हुआ एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से आठ अधिक है, परिमेय संख्या का अंश, जैसे मैंने कहा माना परिमेय संख्या का हर उसके अंश से आठ अधिक है, हर तो अपन ने माना, माना अंश एक्स है तो हर कितना हो जाएगा एक्स प्लस आठ है। उसके बाद यदि अंश में सत्रह जोड़ दिया जाता है, प्रश्नानुसार आप जानते हैं अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है, तो देखना प्रश्नानुसार यदि अंश में सत्रह जोड़ दें x प्लस सत्रह तब दिया जाए तो हर में एक घट जाता है, तो x प्लस के आठ माइनस एक हो जाएगा, भाई ये इतना था क्या हो जाएगा एक हो जाता है, घटा दिया जाए तब तीन बटे दो प्राप्त होता है, तो परिमेय संख्या बताइए। तो देखना परिमेय संख्या बता देंगे भाई, परिमेय संख्या क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था पी बटे क्यू का मतलब अंश और हर। ठीक है, देख लेते हैं अब क्रॉस मल्टी, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, आठ में से एक या सात हो जाएगा तीन बटे दो, वैसे गुणा कर दो इसको इधर इसको इधर, एक्स प्लस सत्रह को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री एक्स प्लस को सेवन से, टू एक्स प्लस के चौंतीस इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस के इक्कीस। अब देखना इसमें से थ्री एक्स उधर ज़्यादा है तो इधर लेके जाते हैं इसको, टू एक्स चौंतीस माइनस के इक्कीस कैंसिल करो, कितना आएगा हमारा तीन एक तेरह, इधर एक्स तो एक्स का मान आपको कितना मिल गया तेरह, यदि एक्स का मान तेरह है तो वाई का मान कितना हुआ, इसका तेरह है तो तेरह प्लस के आठ इक्कीस, तेरह और इक्कीस मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होगी तेरह बटे इक्कीस। ठीक है, इस प्रकार से हम 2.6 को भी कंप्लीट कर लेते हैं, 2.6 को, और हमने 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। ओके, इजीली समझ में आया होगा।